चलो नमस्कार छात्रों, विषय हिंदी 12वीं कक्षा की सभी छात्रों को मैं काव्य नंबर है 9 बाढ़ की संभावनाएं पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, जुट जाओ। और इस पढ़ाई में मैं हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और साथ साथ नोट्स पेन नोट करने के लिए साथ में रखे, क्योंकि ये सब उनके जो रचयिता के परिचय, कठिन शब्द और साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं है, ये सब बोर्ड की एग्जाम के लिए आईएमपी है। और मैंने जो स्लाइड में जो महत्वपूर्ण बातें पेश की है वो आईएमपी है, वो ही मैंने पेश की है। तो बाढ़ की संभावनाएं, इनके साहित्य प्रकार गजल है, रचयिता दुष्यंत कुमार जी है। और इस गजल में जो शीर्षक दिया है दुष्यंत कुमार जी ने, वो कविता के अनुरूप है, बाढ़ की संभावनाएं। और वह कविता है, गजल है, इस प्राकृतिक जो मौसम अभी भी चल रही है बारिश की, उसके अनुरूप है। बाढ़ मतलब पूर, आंधी, तूफान। लेकिन फिर भी ये बाढ़ यहाँ पर जो पेश की है संभावनाएं बाढ़ की, वो जीवन में आने वाली मुसीबत के प्रतीक के रूप में यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने बताया है। और साथ साथ उन्होंने फिर भी बार बार जीवन में ऐसी निराशा, हताशाई होती रहे, वो उसको पसंद नहीं है। इसीलिए उसमें जीवन में नई चेतना का संचार हो, नई उम्मीद की किरणें बरकरार होती हुई भी यहाँ पर अंत में पेश की है। मतलब हमारे जीवन में नई आशा का संचार हो सके, ऐसी भावनाएं भी यहाँ पर पेश की है। और जीवन में जो निराश व्यक्ति है उसको उसके जीवन में नई आशा की, नई चेतना की किरणें संचार हो सके, इसीलिए आश्वस्त भी किया है निराश व्यक्ति को माध्यम बनाकर, और आश्वासन भी दिया है। तो इस कविता की ओर, इस कविता के छोर की ओर आगे बढ़ने से पहले दुष्यंत कुमार जी का थोड़ा सा परिचय मैं दूं तो, उनका जन्म सन 1933 राजापुर नवाडा जिला उत्तर प्रदेश बिजनौर में हुआ था, और उनकी निधन सन 1975 ईस्वी सन में हुई। और उच्च शिक्षा के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं दूं तो, इलाहाबाद में हुई उन्होंने पूर्ण की, और नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण है। गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए और सफलता भी प्राप्त की, किंतु हिंदी संसार में वे गजलकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने एक श्रेष्ठ गजलकार के रूप में हिंदी साहित्य में अन्य गजलकारों के बीच उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त कर लिया, जिनके कारण भारत सरकार ने भी उनको पुरस्कृत किया है और साथ साथ सम्मान भी दिया है। उन्होंने गजल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक यथार्थता का सफल संवाहक बनाया है। और उनकी काव्य संग्रह जो हिंदी साहित्य में उसके इस महत्वपूर्ण काव्य संग्रह के द्वारा उनको प्रसिद्धि मिली है, उनका थोड़ा सा मैं परिचय दूँ तो, उनका काव्य संग्रह है एक कंठ विषायाई, चलते हुए वन का बसंत और सूर्य का स्वागत उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। और उनके प्रसिद्ध गजल संग्रह है जो एक मार्क के लिए बोर्ड की एग्जाम में भी पूछे गए थे एक बार, साये में धूप उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। और इसके अलावा प्रसिद्ध उपन्यास भी है छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक धूप। कुल मिलाकर उन्होंने हिंदी साहित्य में काव्य संग्रह, गजल संग्रह, उपन्यास आदि विधाओं की रचना करके महत्वपूर्ण अन्य साहित्यकारों के बीच सम्मानीय स्थान प्राप्त कर लिया है। अब इस कविता की ओर आगे बढ़ूँ इससे पहले थोड़ा सा सार में बताऊँ तो, प्रस्तुत गजल में एक ही भावबोध वाली अन्य गजल की तरह गजल नहीं है, उसमें प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है, आप जानते ही है। इसमें कवि इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर चिंतित अवश्य है, पर कभी निराश नहीं है। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। और उसको भी पसंद नहीं है कि हम एक ही धड़ेड़ के निराशामय जीवन जीवित रहे, मतलब निराशामय जीवन ही जीते रहे। इसीलिए तो उन्होंने हमारे जीवन में नवी चेतना की संचार हो सके, इसीलिए यहाँ पर हल्की सी नवी और
नई उम्मीद की हल्की सी किरणें यहाँ पर बरकरार उन्होंने दिखाई देती है और निराश व्यक्ति को इस कविता के माध्यम से आश्वस्त भी किया है और आश्वासन भी दिया है। तो इस कविता के जो महत्वपूर्ण कठिन शब्द है, जो पर्यायवाची शब्द में भी उपयोगी है, ये सब नोट्स में नोंद करना। दरख्त, पेड़, कालीन मतलब बड़ा गलीचा, चीड़ पर्वतीय प्रदेश में उगने वाला एक बहुत ऊंचा पेड़, आईना मतलब दर्पण, झुनझुना मतलब एक खिलौना, और चीड़ जो बहुत ऊंचाई वाले जो पेड़ है ना, उसमें से लिसा नामक गोंद जैसे चिकने पदार्थ निकलते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि टर्पेंटाइन ऑयल है वो बनाने में वो लिसा नामक जो चिकने पदार्थ है गोंद जैसे वो उपयोग में आता है। झुनझुना मतलब खिलौना, नाजुक मतलब मुलायम, तन्ना पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा हिस्सा, तड़पती सी मतलब बेचैन करने वाली, हम सफर सहयात्री, अनमना मतलब उदास। ये सब कठिन शब्द है। अब अपनी नोट्स में नोट करने के साथ आगे बढ़ू तो पहली चार पंक्ति है उस स्लाइड में उसके अनुरूप यहाँ पर मैंने तस्वीरें भी रखी है, चित्र भी यहाँ पर फोटो भी पेश किया है कि पहली जो तस्वीर है उसमें बाढ़ से पीड़ित लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो ये तो सब बाढ़, आंधी, पूर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ये प्राकृतिक आपत्ति है, उससे तो हम सावधानी बरतनी चाहिए। और ख़ास करके इस बारिश की मौसम में जो नदी किनारे पर घर बनाकर बसते हैं, समुद्र किनारे पर घर बनाकर बसते हैं, ऐसे लोग को तो अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि इधर उधर अधिक बारिश होने के कारण कैसी बाढ़ की स्थिति खड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो बाढ़ है वो जीवन में आने वाली जो मुसीबत का प्रतीक के रूप में यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने पेश किया है। और जो नीचे जो तस्वीर है वो बहुत से पहाड़ी प्रदेश में उगने वाले जो बहुत लंबा ऊंचाई वाले जो वृक्ष है, मैंने कहा ना कि उसमें से लिसा नामक गोंद जैसे चिकने पदार्थ निकलते हैं, जो टर्पेंटाइन ऑयल जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा बनाने में बहुत उपयुक्त होता है। तो चलो मैं इस चार पंक्तियाँ आपको अर्थ के साथ समझाऊँ। तो बाढ़ की संभावनाएँ सामने है, हमारे जीवन में आने वाली मुसीबत रूपी बाढ़ की संभावना सामने है और नदियों के किनारे घर बना है, यहाँ पर वास्तविक जो बाढ़ है, प्राकृतिक जो आपत्ति है उनका चित्रण किया है। तो नदी किनारे घर बने हैं उसको तो सावधानी बरतनी ही चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाली बाढ़ रूपी मुसीबत के लिए हमें सावध रहना चाहिए, कभी निराश या हताश होना नहीं चाहिए। आगे की पंक्ति, चीड़ वन में मतलब पहाड़ी प्रदेश में आंधियों की बात मत कर, आंधी तूफान की बात मत कर, क्योंकि उसके जो वृक्ष है, दरख्तों मतलब उसके जो पेड़ है बहुत नाजुक तने है, नाजुक मतलब कोमल, तने मतलब शरीर। इस चीड़ वन में पहाड़ी प्रदेश में आंधी की बात मत कर, क्योंकि उसके जो पेड़ है, ये पेड़ की तस्वीर है, बहुत लंबा ऊंचाई वाले होते हैं पहाड़ी प्रदेश में उगते हैं ना, वह उसके शरीर है बहुत नाजुक है, क्योंकि बहुत ऊंचाई वाले होने के कारण जमीन दस्त जल्द से हो जा सकता है, इसीलिए तो उसको इस आंधी की तूफान की बात न कर। वास्तव में ये सब बताकर यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी जीवन में आने वाली मुसीबत से सावध रहकर कभी पीछे हट नहीं करके उसका सामना करने के लिए अलग अलग उदाहरण हमारे यहाँ पर इस गजल में पेश किया है, साथ साथ हमें आश्वस्त भी किया है। और आगे की पंक्ति, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, चेहरे मतलब हमारा मुंह और आईने मतलब दर्पण। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटे हुए दर्पण है वो बिन उपयोगी हो जाता है, भले निराश हताश ये चेहरे में जो चेहरा सॉरी आईने में जो चेहरा दिखाई देता है वो निराश हताश है, लेकिन आईने के समान नहीं है, टूटे हुए आईने के समान, क्योंकि टूटा हुआ आईना है उसका कोई मूल्य नहीं होता, हम फेंक देते हैं, लेकिन निराश चेहरा है वो टूटा हुआ आईना के समान नहीं है। ऐसा दुष्यंत कुमार ने बताकर हमारे निराश जीवन में कभी भी एक दिन अवश्य हल्की सी उम्मीद की किरणें बरकरार होगी, ऐसा बताकर हमें आश्वस्त किया है। और हमारा जीवन ये उपयोगी ही है, इसीलिए हमें बिन उपयोगी निराश जीवन के कारण टूटे हुए आईने की समान नहीं बन जाना चाहिए, मस्तक पर हाथ रखकर निराश होकर थक कर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए, हिमालय की तरह अडिग रहना चाहिए। ऐसी सबक हमें इस पंक्ति के द्वारा देते हैं और साथ साथ हमें आश्वस्त भी करते हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, कालीन मतलब
गलीचा बैठने के लिए, ये कालीन है, वो सुख का प्रतीक है। इस समय तो पाव कीचड़ में सने, पाव कीचड़ मतलब कीचड़, कीचड़ है वो दुख का प्रतीक है। भले इस समय हमारा पाव है मुसीबत रूपी दुख रूपी कीचड़ में पड़े है, तो कोई बात नहीं, एक दिन तो हमें अवश्य सुख रूपी गलीचा कालीन में बैठने के लिए मिलेगा ही। मतलब भले आज हमारा जीवन दुखी है, लेकिन कल हम सुखी हो गए, हमारे जीवन में सुख रूपी नई चेतना की किरणें मिलेगी, ऐसी यहाँ पर आश्वासन देकर प्रेरणा भी इस कविता में, गजल में दुष्यंत कुमार जी ने बताई है। और साथ साथ यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने इस कविता में हमारे जीवन के, हमारे समाज में हमारे जो राजनीतिक व्यक्ति है जो केवल नाम के ही होते हैं, और हमारे देश में सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनके लिए बहुत से अधिक नीति नियम कायदे बनाए हैं, लेकिन केवल कागज पर ही रहते हैं, नाम के ही होते, चुनाव के समय पर ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को बहुत स्वप्न बताते हैं कि तुमको समृद्ध बनाएंगे, तुम्हारे लिए ये व्यवस्था करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव में वोट प्राप्त करके वो बनाने की बात तो एक और रही, लेकिन सामने अपना मुंह भी नहीं दिखाते हैं। ऐसे जो स्वार्थी है उसका चित्रण यहाँ पर, यथार्थ चित्रण मतलब हमारी राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण इस कविता के माध्यम से पेश किया है। साथ साथ जो जरूरतमंद व्यक्ति है वो बेचारे, उसका कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि हम तो समाज के झुंझुने हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि कायदा कानून नियम नीति ये सब ऐसे व्यक्ति के लिए बनाए हैं, लेकिन वो अपनी जो उसके लिए जो चाहे इच्छा है कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकते, उसका अस्तित्व भी नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि हम तो झुंझुना है समाज के लोगों के लिए, वो जिस तरह बजाना चाहे उस तरह बजा सकते, ऐसा बताते हुए भी अपने जीवन की जो व्यथा है, निराशा है, हताशा है, वो पेश करते हैं इस कविता के माध्यम से। ये जो तस्वीर है वो झुंझुने की है, हम गुजराती में कहते हैं ना रमकड़े, वो जरूरतमंद व्यक्ति है वो समाज के लोगों के लिए वो झुंझुना मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो पंक्ति में दुष्यंत कुमार ने बताया कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम तो झुंझुने हैं सभा में, समाज के लोग आगेवान लोग जिस तरह अपनी चाहो अब चाहते हो उसी तरह ही इस झुंझुने को जरूरतमंद व्यक्ति को उपयोग कर सकते हैं, ऐसा बताकर अपनी हताशा निराशा व्यक्त की है। और दुष्यंत कुमार जी ने भी ऐसे जो व्यक्ति है उनके जीवन की जो दयनीय स्थिति है उनका यथार्थ चित्रण भी यहाँ पर पेश किया है। और अंतिम जो दो पंक्ति है उसमें बताया है कि ये जो स्लाइड में तस्वीर है, एक निराश व्यक्ति जो जीवन में दुखी है हताश है वो बैठे है, उनको कुछ सबक देने के लिए आश्वस्त देने के लिए यहाँ पर कवि ने इस दो पंक्ति की रचना की है। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, जीवन में जो हताश है निराश है जिसका कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति में नई चेतना का संचार हो, नई उम्मीद की किरणें मिले, इसीलिए तड़पती सी गजल कोई उसको सुनाओ, ऐसा दुष्यंत कुमार जी कहते हैं। हम सफर ऊँघे हुए हैं, हम सफर मतलब हमारे साथ चलने वाले यात्री है वो ऊँघे हुए हैं, दुख रूपी निराशा रूपी निंद्रा में सोए हुए हैं, अनमने हैं, बेचारे निराश है, क्योंकि उनके जीवन में हताशा है निराशा है, उसका कोई मूल्य भी नहीं है, दुखी थे पीड़ित थे, फिर भी ये सब बातें उसके जीवन में से दूर हो जाए, उसके जीवन में सुख रूपी आशा मिले, सुख रूपी नई किरणें का प्रकाश मिले, इसीलिए तड़पती सी गजल सुनाने के लिए यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी है वो हमें प्रेरणा देते हैं, सबक देते हैं। तो संक्षिप्त में कहूँ तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने जो हमारे समाज के जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनके जीवन की जो निराशा है पीड़ा है व्यथा है उनका यथार्थ चित्रण किया है, और साथ साथ हमारी जो सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति है उनका यथार्थ चित्रण इस कविता के माध्यम से, इस गजल के माध्यम से किया है। और साथ साथ दुखी पीड़ित व्यक्ति को नई चेतना का संचार मिले और नई उम्मीद की किरणें बरकरार हो सके और उसको आश्वासन मिले, इसीलिए आश्वस्त करने के लिए भी इस कविताएँ गजल यहाँ पर उन्होंने पेश की है। तो जो दुखी लोग है उसके प्रति कितना हमदर्दी का भाव है दुष्यंत कुमार के दिल में वो भी हमें पाए जा सकते हैं। तो चलो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस गजल बाढ़ की संभावनाएं ठीक तरह से समझ में आ गई होगी। तो स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में थोड़ी चर्चा करूँ तो अपने जो पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में
पीछे जो स्वाध्याय के प्रश्न है, एक मार्क्स के, दो मार्क्स के, पांच मार्क्स के और व्याकरण के, स्वाध्याय की नोट में नोट्स करना और साथ साथ मैंने बीच बीच में कवि के परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचना, कठिन शब्द के बारे में चर्चा की, स्लाइड में भी मैंने बताया है, ये सब अपनी नोट्स में नोट करना, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में उसमें से एक एक मार्क्स के बहुविकल्प के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो चलो फिर कल मिलेंगे, अस्तु।